Today I am going to discuss about the topic of center of mass. Center of mass kya hai? Pehle main aapko ek easy definition mein batata hu center of mass. What is the center of mass? Center of mass of the body is the point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. It means that body ke andar ek aisa point hum assume kar rahe hai, ek aisa point hum le rahe hai wahan pe consider kar rahe hai, jahan par us point par body ka pura mass depend hai. Yani agar hum कहीं से भी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो ये पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता है. अगर आप इस पॉइंट को डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी के सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. इट मींस दैट द मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू दिस स्पेशल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. बॉडी के सारे पॉइंट्स का मोशन, बॉडी के सारे पॉइंट की पोजिशन इसी एक पॉइंट से अटैच्ड है जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. या सिंपल लैंग्वेज में आपने बोला कि बॉडी का पूरा मास जो है उसी पॉइंट पे डिपेंड है. या हम बोल सकते हैं कि बॉडी पे अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी पार्ट पे, किसी भी पार्टिकल पे बॉडी के, तो इट सीम्स दैट ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे फोर्सेस बॉडी के उसी एक स्पेशल पॉइंट पे लग रहे हैं जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. तो बॉडी के पूरे पार्टिकल्स जो है, सारे पार्टिकल, सारे पार्ट बॉडी के, उन सबका, उनकी पोजीशन, उनका मोशन, उनका रोटेशन जो भी है वो सिर्फ एक इसी एक पॉइंट पर डिपेंड है जिसको हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग और फॉर्मूलाज का देखेंगे. तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पर दो एक्सिस बना दी है. अब यहाँ पर हम पार्टिकल शो कर रहे हैं. सपोज दैट देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हम यहाँ पर बना सकते हैं जिनका मासेज एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर होगा. बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टिकल ले रहा हूँ, बस थोड़ा इजी हो जाएगा. ये M1 और M2 दो पार्टिकल हैं जिनके मासेस M1 M2 हैं और इनकी पोजीशन वेक्टर्स यानी ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस R1 और R2 है. अब ये दो पार्टिकल्स का जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का पूरा एक सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर बीच में कहीं पर. उस सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. सो आरसीएम क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन और पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये जनरली हम लिखेंगे एम वन आर वन प्लस M2 R2 upon M1 plus M2. This is the formula of center of mass, position vector of center of mass only for two particles. But if you want to consider the three particles, then you will add M3 R3 plus M3 R3 and in the denominator plus M3. ये formula हो जाएगा. अब now RCM क्या है? This is the position vector of center. इसका जो center of mass बीच में कहीं पर होगा उसकी origin से distance ये होगी. अब देखो, आप यहाँ पर अगर इसको हम differentiate कर दें एक बार, R को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dr by dt हो जाएगा. और dr by dt क्या होता है? ये वेलोसिटी हो जाती है. दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पर M1 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखेंगे. और R1 का डिफरेंशिएशन होगा dr1 by dt और dr1 by dt को हम V1 लिखेंगे. सिमिलरली R2 का डिफरेंशिएशन dr2 by dt और इसको हम लिखेंगे V2 अपॉन में. मास तो कॉन्स्टेंट है सो वी विल राइट एज इट इज. तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया. V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ दीज टू पार्टिकल्स एंड VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स. सिमिलरली अगर इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दें तो dv by dt क्या होगा? dv by dt इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन. तो यहां पर ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हो गया. अब आपको पता है M1 कांस्टेंट है आउटसाइड और V1 को dv1 by dt लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड A1 एक्सेलेरेशन प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2. अब यहां पर देखिए, हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा. जनरली 90% क्वेश्चन में आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा जाता है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये रेयर केस में पूछा जाएगा. तो ये जनरल फॉर्मूला है. और यहां पर R1 डिस्टेंस हमने डायरेक्ट क्या करा है, ओरिजिन से कंसिडर की है. तो हम डायरेक्ट ओरिजिन से भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर R1 निकालने का एक दूसरा एक और मेथड है. आप x एक्सिस पे चलो यहां तक, इतना ये x एक्सिस पे हो गया और y एक्सिस पे इधर से आप यहां से यहां पहुंच जाओ. तो R को हम और क्या लिख सकते हैं? R को हम लिख सकते हैं x i प्लस y j. हम R को ये भी लिख सकते हैं. इसका मतलब i आपको पता है कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और j आपको पता है कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. यानी x एक्सिस पर आप x डिस्टेंस चलोगे ऐसे और y एक्सिस पर आप y डिस्टेंस चलोगे यानी ऐसे परपेंडिकुलर. ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये सेंटर ऑफ मास को शो करेंगे. तो हम r डायरेक्टली भी ऐसे पुट कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे, या फिर इसको निकालने का दूसरा एक और फॉर्मूला है. डायरेक्ट अगर आप आरसीएम अप्लाई नहीं करते हो
तो मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं इधर, हम x और y सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x और y अगर आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे तो एक्सीएम पहले निकालना पड़ेगा आपको, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये दूसरा मेथड है। तो इसमें आप देख रहे हो मासेज एम वन एम टू तो यही है, लेकिन एक्स वन एक्स टू क्या है, दीज आर ओनली डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी आपको वाई एक्सिस पर डिस्टेंस नहीं लेना है, एक्स वन एंड एक्स टू आर द डिस्टेंसेज ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। तो एक्स वन क्या है, यहां से आप यहां तक चले, ये जो डिस्टेंस इस पार्टिकल की डिस्टेंस आ गई ना, ये एक्स वन हो गया, सेकेंड वाले पार्टिकल में यहां तक आप पहुंच गए तो ये पूरी डिस्टेंस एक्स टू हो गई, ये आपने एक्सीएम निकाला। सिमिलरली वाई सी एम इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वाई सी एम यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें क्या लेना है, ये वाला जो मास एम वन रखा है इसकी वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ये होगी, यानी वाई वन हो गया ये, और M2 मास की y एक्सिस पर डिस्टेंस ये होगी, यानी ये y2 हो गया। ये आपको y1 और y2 यहां पुट करना है और xcm ycm निकालना है, ये एक दूसरा मेथड है, ये थोड़ा इजी जाता है, ये भी इजी है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा इजी है। अब आपके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो xcm कॉमा ycm एंड दिस इज योर। एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये इस पर इस ये नोट है एक, समझ लीजिए इसको, और इस नोट पे ही न्यूमेरिकल डिपेंड बहुत सारे आए हुए हैं पहले से, तो मैं ये लिख रहा हूं सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अब मोमेंट ऑफ मास का क्या है, जैसे मोमेंट तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे मान लो ये एक फोर्स लिखा हुआ है एफ, तो इसको अगर हम आर इंटू एफ करें तो दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी आर क्या है यहां पर, ये पोजीशन वेक्टर है आर, जो हमने अभी भी यहां पे डिस्कस किया कि डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर क्रॉस एफ दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सिंपल फोर्स है तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो सिंपल यहां पर क्या लिया हमने, मास तो एम लेते हैं ओनली, और अगर हम एम की इंटू आर ले लें यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेज अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, यानी इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा, दैट इज मीनिंग ऑफ द सिग्मा इज समेशन, सिग्मा एम आर इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने दो पार्टिकल्स अभी, क्योंकि फिगर में आपको दो पार्टिकल शो किए थे, इसलिए सिर्फ दो पार्टिकल के लिए है। और ये आप ध्यान रखिए, एल्जेब्रिक सम है, दैट इज यू हैव टू टेक विद साइन एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूं यहां पर। जैसे एक ये बॉडी है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर बीच में है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास अब क्या करता है कि सेंटर ऑफ मास पूरे की पूरी बॉडी के मास को बैलेंस कर देता है। इसका मतलब इधर जितना मोमेंट होगा एम इंटू आर, उतना ही मोमेंट इधर आना चाहिए एम इंटू आर, तभी हम बोलेंगे सम ऑफ द मोमेंट दैट इज जीरो। अब ये एम आर और एम आर दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन इधर का साइन आपको पॉजिटिव लेना है और इधर का साइन आपको नेगेटिव लेना है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव एम आर आएगा और ये नेगेटिव एम आर आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर आप इधर का लेते हो तो सम ऑफ द मोमेंट यहां का जो पूरा मास होगा वो एम आर होगा। सिमिलरली आप नीचे का मोमेंट लेते हो तो नीचे का भी मोमेंट ऑफ मास एम आर आएगा, लेकिन ऊपर का आपको पॉजिटिव लेना है और नीचे का नेगेटिव लेना है। सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मास हर साइड का बैलेंस है, जितना इधर है मास उतना ही मास इधर है, ऐसा है। अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके बीच में है, यानी सेंटर पे होगा। जैसे स्फीयर है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है तो यूनिफॉर्म स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसकी जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर बीच में होगा। एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। सिमिलरली रेक्टेंगल का और इस तरीके का आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी हुई है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से बॉडी थोड़ी थिक है कहीं से बॉडी थोड़ी थिन है, सो रिमेंबर दैट सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जिधर का पार्ट का मास ज्यादा होगा, जिधर हैवी बॉडी होगी उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
center of gravity is the point in the body where whole weight of the body is supposed to be concentrated. Center of mass mein humne kya padha, body ka total mass depend karta hai us point par, aur center of gravity mein hum padh rahe hain ki body ka pura weight us point pe depend kar raha hai. Actually small bodies ke liye ye dono ki dono point ek hi hote hain. Agar small bodies hain to center of mass aur center of gravity ye dono ki dono ek hi point hai. हम सेंटर ऑफ मास भी उसी को बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी को बोलेंगे. बट अगर कोई लार्ज बॉडीज है, बहुत ह्यूज बॉडीज है, ह्यूज बॉडी जैसे लाइक जस्ट माउंटेन, अगर आप माउंटेन की बात करते हो या इससे बड़ी बड़ी कोई बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली बिलो देन द सेंटर ऑफ मास. ऐसा क्यों होता है, बस शॉर्ट में आपको समझाता हूं. जैसे ये माउंटेन है तो आप देख रहे हो माउंटेन में यहाँ का मास ज्यादा है और यहाँ का मास कम है. सेंटर ऑफ मास सपोज दैट यहाँ पर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बोला कि स्लाइटली बिलो होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ऊपर जाने पर धीरे धीरे ग्रेविटी कम होती जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आने पर ज्यादा होती है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा और सेंटर ऑफ मास बीच में होगा. क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी पर डिपेंड है, ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड है, और सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड नहीं है. So that's why for a small body, center of mass and center of gravity is just a similar point. And for large bodies, for huge bodies, center of gravity is slightly below than the center of mass. अब solid body के लिए मैंने बताया आपको बीच में रहता है. अगर कोई ऐसी body है जैसे ring की बात करें हम, तो center of mass of the body ये body के inside भी हो सकता है और outside the material भी हो सकता है. जैसे ring है, ring में बीच में कोई भी material नहीं, empty है, तो इसका center of mass यहाँ पर बीच में कहीं पर आएगा. यानी आउटसाइड द मटेरियल जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर सेंटर ऑफ मास इसका होगा. बाकी सॉलिड बॉडीज में सेंटर ऑफ मास इनसाइड रहता है, यहां पर आउटसाइड द मटेरियल.